सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. क्लास टेंथ मैथ्स NCERT. ठीक है, अब ये आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं. देखो, जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है. तो इसको बेटा, जब आप फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसलिए आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड बना लीजिए. और आप जानते हैं इसको अपन राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं बताओ, इसको अपन राइट कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y. ये मैं ओपन करके आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ. फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ऐसे ओपन करके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो. तो अभी समझने के लिए इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, तो 1/3 इंटू 1/y कर देंगे इज इक्वल टू 2. और अगेन आप इसको अगर राइट करना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/x और प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6. इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? अब आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, पुटिंग, या पुटिंग मत लिखो, आप सपोज कर लो लेट. तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम्स. तो जो आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन होगा वो क्या मिल जाएगा आपको बताइए, 1/u/2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, u/2, क्योंकि 1/x की जगह पे टोटली आपने u रख दिया, तो u का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2. एंड सेकेंड इक्वेशन में आपको मिलेगा u/3, ठीक है, u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6. इज इट क्लियर एवरीवन? अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेना है. एलसीएम आप लेंगे तो 6 मिलेगा, और इधर आपको मिल जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2. और जब आप इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी आपको 6 मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6. यहाँ पे आपको 6 से 6 कैंसिल कर देना है, और इधर आपका 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12. और दूसरा इक्वेशन आपको मिल रहा है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3. किसी को कोई डाउट? अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको u और v की वैल्यूज़ को निकालना है, तो आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना चाहोगे बताओ? एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है, एलिमिनेशन से करने के लिए आपको u, पहले आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो आप? v. तो देखो, v के कोफिशियंट को सेम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे v का कोफिशियंट है 2 और यहाँ पे v का कोफिशियंट है 3. तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6. इसका मतलब v के कोफिशियंट को यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा और इधर भी 6 बनाना पड़ेगा. तो थर्ड इक्वेशन में 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्थ इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? तो आप यहां पे राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों सेम साइन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट. सभी को समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया?
तो थ्री में जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9 u प्लस 3 2 जा 6 v इज इक्वल टू 4 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। और फिर इसी के नीचे आप 4 में मल्टीप्लाई करके राइट कर दो तो आपको मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 u और फिर 6 v और उसके बाद 13 2 जा 26 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस। कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? तो ये देखो दोनों आपस में कैंसिल हो गए बच्चों, और 9 u में से 4 u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 u इज इक्वल टू 36 माइनस 26 करेंगे 10 आएगा। u इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 2। u इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे राइट कर दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 3 में u की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 v इज इक्वल टू 12, राइट? तो आपको मिल जाएगा 6 प्लस 2 v इज इक्वल टू 12 और आपको 2 v इज इक्वल टू मिल जाएगा 6, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो v इज इक्वल टू आपको मिल गया 3 और u इज इक्वल टू आपको मिल गया 2। हैंस दिस इम्प्लाइज दैट अब आपको u और v की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने शुरू में सपोज किया था। तो u की जगह पे कितना राइट करेंगे बताओ, u की जगह पे कितना राइट करेंगे देख के बताइए, और v की जगह पे कितना राइट करेंगे? 1/y, ठीक है ना? तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 2 1/x इज इक्वल टू 2 एंड 1/y इज इक्वल टू 3, क्योंकि v की जगह पे 1/y रखा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको देखो इसके बाई 1 है, इसके बाई 1 है, इस सब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/2 एंड y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/3। सबको समझ में आ गया? ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं इसको आपको पूरा शो कर देता हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है,